सब्सक्राइब करें न्यूज 89 चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें सबसे तेज सबसे पहले खबरें देखने के लिए। धन्यवाद दोस्तों, मैं संदीप चौधरी और आपका स्वागत है आपके अपने न्यूज 89 वेब चैनल में। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि रानी पद्मावती कौन थी और क्या थी उनकी कहानी। आपको जैसे पता ही है कि आजकल संजय लीला बंसाली की फिल्म पद्मावती, जिसमें दीपिका पादुकोण रानी पद्मावती का किरदार निभा रही है, जिसका राजस्थान समाज में काफी रोष और इस फिल्म को लेकर विरोध चल रहा है। हमारे इतिहास में पद्मावती का जिक्र 1540 में मलिक मोहम्मद जयसी ने अपनी कविता पद्मावत में किया था। इसके बाद हेमलता ने पद्मावती पर चौपाई लिखी। इसके बाद काफी लेखकों ने रानी पद्मावती के ऊपर अलग अलग भाषाओं में लिखा। इन सब लेखकों के मुताबिक जो कहानी सामने आती है वो यह है कि रानी पद्मावती श्रीलंका की रानी थी और वो बेहद ही खूबसूरत थी, और रानी पद्मावती की दोस्ती एक बोलने वाले तोते से थी, जिससे रानी पद्मावती अक्सर बहुत बातें किया करती थी, जो इनके पिताजी को बिल्कुल पसंद नहीं था। इसलिए इनके पिताजी ने उक्त बोलने वाले तोते को मारने का हुक्म दे दिया, मगर वो तोता अपनी जान बचाकर वहां से उड़ गया। उसके बाद उक्त तोते को एक व्यक्ति ने पकड़कर एक ब्राह्मण को बेच दिया। जब उक्त ब्राह्मण उस तोते को लेकर चित्तौड़गढ़ गया तो चित्तौड़गढ़ के राजा रतन सेन उक्त बोलने वाले तोते को देखकर बहुत खुश हुए और राजा ने उक्त तोता ब्राह्मण से खरीद लिया। तोता राजे के सामने रानी पद्मावती की सुंदरता का बखान करने लगा। तब राजा रतन सेन ने अपने 16,000 सैनिकों को साथ लेकर श्रीलंका की ओर चढ़ाई कर दी, पर वहां पहुंचने के बाद पद्मावती के पिता जी ने राजा रतन सेन को पद्मावती से नहीं मिलने दिया और उन दोनों राजाओं में लड़ाई छिड़ गई, जिसमें रतन सेन हार गया और बंदी बना लिया गया। मगर कुछ समय के बाद पद्मावती के पिता को पता चला कि रतन सेन चित्तौड़गढ़ का राजा है। तब उन्होंने पद्मावती और राजा रतन सेन की शादी करवा दी। उस समय रतन सेन चित्तौड़गढ़ वापस चला गया। उस समय अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली के सुल्तान थे। अलाउद्दीन खिलजी के गुप्तचर ने जब पद्मावती के बारे में अलाउद्दीन खिलजी को बताया तो अलाउद्दीन खिलजी ने पद्मावती के लिए चित्तौड़गढ़ पर हमला कर दिया, जिसमें अलाउद्दीन खिलजी हार गया और दोनों के बीच में समझौता हो गया। मगर बाद में अलाउद्दीन खिलजी ने चलाकी के साथ रतन सेन को बंदी बना लिया। तब पद्मावती ने रतन सेन के वफादार गोरा और बादल के साथ मिलकर रतन सेन को छुड़वाने का फैसला कर लिया। इसमें गोरा खिलजी के सैनिकों से लड़ता हुआ मारा गया, मगर पद्मावती रतन सेन को छुड़वाने में कामयाब रही। इस बीच में राजा देवपाल ने अपना दूत भेजकर रानी पद्मावती के सामने शादी का प्रस्ताव रखा, जिसके कारण रतन सेन व देवपाल में लड़ाई छिड़ गई और दोनों लोग मारे गए। जब अलाउद्दीन खिलजी को रतन सेन की मौत के बारे में पता चला तो उसने चित्तौड़गढ़ पर फिर से हमला कर दिया। उस समय रानी पद्मावती को यह एहसास हो गया था कि यह लड़ाई हम हार जाएंगे, जिस वजह से रानी पद्मावती ने आत्मदाह कर लिया और अलाउद्दीन खिलजी लड़ाई जीतने के बाद भी वहां से खाली हाथ चला गया। अब यहां सवाल यह पैदा होता है कि इतिहासकार इस कहानी को मनगढ़ंत क्यों बता रहे हैं। इतिहासकार ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मलिक मोहम्मद जयसी ने अपनी कविता के अंत में लिखा था कि यह कविता रूपक है और पद्मावती के बारे में अलग अलग लेखकों में कई बातें लिखी गई हैं। इतिहासकार ये तो मानते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 में चित्तौड़गढ़ पर कब्जा किया था क्योंकि अमीर खुसरो ने ख्वाजा इयूफ़ सिद्दीक के बारे में लिखा था, मगर अमीर खुसरो ने अपने लेख में कभी भी पद्मावती का जिक्र नहीं किया था, जबकि 1303 में अमीर खुसरो चित्तौड़गढ़ के युद्ध में अलाउद्दीन खिलजी के साथ थे। दोस्तों, ये थी रानी पद्मावती की कहानी। देश दुनिया की खबरों व जानकारी के लिए बने रहें आपके अपने न्यूज 89 वेब चैनल के साथ, और संदीप चौधरी को दीजिए इजाजत। धन्यवाद। सब्सक्राइब करें न्यूज 89 चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें सबसे तेज सबसे पहले खबरें देखने के लिए। धन्यवाद।